इंडिया सुपर 30 की शुरुआत तमिलनाडु में आफत की बारिश से। तमिलनाडु में बाढ़ से हालात सुधारने के लिए राहत का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं आ रहे। खासकर चेन्नई के लोगों के अगले दो दिन खौफ से भरे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है, जो वहां के हालात और बदतर कर सकती है। चेन्नई में कई इलाकों में पानी पहली मंजिल तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि अब लोग सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं। चेन्नई में हालात खराब हैं। सड़क के अलावा रेल और हवाई यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों तक इसमें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोग अब पूरी तरह सरकार से मिल रही मदद के आसरे हैं और वो घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में बारिश से मची तबाही के बीच राज्य का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। भारत सरकार ने तमिलनाडु को 1000 करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में बताया कि ये 1000 करोड़ रुपए तमिलनाडु को पहले जारी किए गए 940 करोड़ रुपए से अलग होंगे। The government of India stand by the people of Tamil Nadu in their hour of need. I have directed that rupees 1000 crore be released immediately by the government of India to Tamil Nadu for immediate relief. This is over and above the rupees 940 crore which was released earlier. तमिलनाडु में बारिश की वजह से 269 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दी। गृहमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में बाढ़ से हालात बेहद खतरनाक हैं और इस बारिश ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका जताई है। कई इलाकों में ज्यादा पानी भरा हुआ है और बिजली काट दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक तमिलनाडु में बाढ़ के चलते 269, आंध्र प्रदेश में 54 और पुडुचेरी में 2 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की 30 टीम 110 बोटों के साथ राहत कार्य में लगी है। तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की 30 टीमें, जिसमें कि 1014 पर्सनल्स होते हैं और उसके साथ 110 बोट्स भी हैं, और साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम जिसमें 434 पर्सनल्स हैं, को रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा रखा है। 2 अतिरिक्त कॉलम्स जिसमें कि 124 पर्सनल्स होंगे, आज कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए हैं। नेवी की 12 बोट्स और 255 पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत और 20 डाइवर्स हेलीकॉप्टर वाइजर से रवाना कर दिए गए हैं। जो फ्लड की स्थिति तमिलनाडु में पैदा हुई है, वह तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर 2015 को हुआ और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलोर, चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवंबर 2015 से भारी बारिश हुई है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर बाबरी मस्जिद मामले के पैरोकार हाशिम अंसारी ने कहा कि देश खतरनाक मोड़ पर है। अंसारी ने कहा कि कानून की धज्जिया मत उड़ाओ और देश की जनता की तरफ देखो। हम इस कानून का एहतराम करते हैं, कानून की धज्जिया मत उड़ाओ, देश हमारा बड़े खतरनाक मोड़ पर है, देश की तरफ देखो, देश की जनता की तरफ देखो। 6 दिसंबर को क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे आप इसमें? हम मोहन भागवत के नाम पर मातम करेंगे और मोहन भागवत के तैलन करते हैं। क्या हो तुम, अगर तुम्हें मंदिर बनाना है
तो आओ बनाओ बनाओ हिम्मत है तो नौटंकी करते हो। राम मंदिर निर्माण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाजी बजरूब ने भी बयान दिया है। जैसे वो भागवत जी बात कर रहे हैं, फना ने जवाब दे रहे हैं, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, उनसे ज्यादा बोल सकता हूँ, उनसे कम नहीं है मुसलमान। मुसलमान में जो जज्बा है वो किसी हिंदू भाई में नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन हम उसको सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन ये जरूर कहूँगा, जब अगर आपसदारी में नहीं करेंगे, बैठ के नहीं होगा, वो एक ईंटा नहीं रख सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 9 दिसंबर को अमरोहा में होगी। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का मुद्दा अहम रहेगा। मुस्लिम लॉ को संविधान से अलग ना मानकर उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें सबसे अहम और नई बात यही है कि जो हमें हुकूक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं वो हमें मिलें, हमें हासिल हों, इसके लिए एक मूवमेंट दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि नेशनल लेवल पर शुरू किया जा रहा है और जिसकी कि कॉन्फ्रेंसेज मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स और शहरों में की जाएंगी, और उसमें जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी पहली मरतबा बोर्ड की तरफ से शामिल किया जाएगा। मौसम की मार और साहूकारों का सितम झेल रहे किसान कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के अकोला में तो एक किसान ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी, लेकिन फिर भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई। दरअसल अकोला में पैसों की तंगी के चलते शंकर गौली ने साहूकार आनंद जाधव से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था। आनंद जाधव ने उसे झांसा दिया कि अगर वो अपनी किडनी बेचे तो उसका सारा कर्ज भी चुक जाएगा और मोटी कमाई होगी। इसी सिलसिले में उसे श्रीधर शिरसाट नाम के एक शख्स ने मिलवाया। आरोपियों ने शंकर का पासपोर्ट बनवाया, उसे श्रीलंका लेके गए, वहां 4.5 लाख रुपए में शंकर की किडनी बेच दी गई, लेकिन शंकर को उसमें से एक पैसा नहीं दिया गया। तब शंकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आनंद जाधव और श्रीधर शिरसाट दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से 3 पासपोर्ट भी मिले हैं। अब जांच कर रही है पुलिस इन दोनों के तार किडनी बेचने वाले किसी बड़े गिरोह से तो नहीं जुड़े। यूपी के चित्रकूट में आमरण अनशन पर बैठे किसान बाबूलाल प्रजापति को फिलहाल सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया दिया गया है। इंडिया 24/7 ने जब इस किसान का दर्द पूरे देश के सामने रखा तो यूपी की पूरी मशीनरी में हड़कंप मच गया। खबर दिखाने के आधे घंटे के अंदर अफसर बाबूलाल के खेत पर पहुंच गए। खुद SDM ने बाबूलाल को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया है। उन्होंने अन्न जल इसलिए ताक दिया था कि वर्षा नहीं हो रही है, और उनका ये मानना था कि जब तक वो वर्षा नहीं होगी तब तक वो अन्न जल का त्याग किए रहेंगे। तो जब ये सूचना मिली है तो उन्हें SDM को और डॉक्टर को भेजा गया था। वहाँ पर गांव में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उनकी हालत अच्छी नहीं थी तो उनको ला करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से तो बारिश नहीं होनी चाहिए। इंडिया 24/7 पर यह खबर दिखाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने भी चिंता जताई। ऐसे होता ही है, जो बड़े अन्नदाता से तो बड़ा, ऊपर वाले से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो वही समस्याएं, जब समस्याएं आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो फिर किसी ना किसी सुपर पावर पे तो आप यकीन करोगे ना कि कुछ ना कुछ तो होगा। 1 जनवरी 2016 से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा अब सीधे उनके खाते में आएगा। सरकार ने यह फैसला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लगातार आ रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया है। इसकी शुरुआत केरल से होगी। गुरुवार को सरकार ने इसकी जानकारी लोकसभा में दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ये योजना कामयाब होती है तो इसे देश के दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। मनरेगा के लाभार्थियों के करीब 11 करोड़ खाते हैं, इनमें 65% बैंकों में जबकि बाकी डाकघरों में है। अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पेंशन योजना के खिलाफ दाखिल की गई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की PIL को लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की PIL में अखिलेश सरकार पर इस योजना के जरिए एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश कर
उनका वोट बैंक तैयार करने का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव सरकार ने पिछले साल इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 500 से लेकर 700 रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। हमारा जो ये समाजवादी पेंशन योजना, उसके तहत कोर्ट ने हमारी बात मान ली और उनकी याचिका खारिज हुई। इससे 40 लाख परिवार हर साल जो लाभान्वित है उनको फायदा हो रहा। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक प्रेरित नहीं है, ये संविधान की जो प्रियम्बल है उसके पालन में, और उन्होंने इसकी तारीफ किया और कहा ये योजना बड़ी अच्छी और उचित है। पीएम मोदी 12 दिसंबर को जापान के पीएम के साथ बनारस के दौरे पर होंगे। दौरे का सबसे अहम कार्यक्रम गंगा आरती देखने का है। इस दौरान 1.5 साल में स्वच्छ गंगा के लिए शुरू किए गए नमामि गंगे पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार के लिए गंगा को लेकर परेशान करने वाली खबर वाराणसी है। गंगा अभियान से जुड़े गंगा महासभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंगा महासभा ने नमामि गंगे और केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर सवाल खड़ा किया है। गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद का कहना है कि 1.5 साल में नमामि गंगे का DPR तक नहीं बना। तो वही 12 दिसंबर को मोदी और जापान के पीएम के दौरे का कांग्रेस ने विरोध करने का पूरा मन बना लिया है। हालांकि विरोध कैसे होगा अभी इसके बारे में कांग्रेस के नेता कुछ भी बताने से बच रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री पूर्वांचल में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 9 दिसंबर से आंदोलन और पद यात्रा निकालने का भी निर्देश दिया गया है। देश में गंगा नदी को साफ करने वाले लोग मोदी को नहीं मिल रहे हैं। सरकार के भारी भरकम मंत्रालय उस दिशा में काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आरएसएस की पोषित एनजीओस के सहारे उस काम को चला करके आरएसएस को तंदुरुस्त बनाने की मुहिम उनकी चल रही थी, और आज एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को ला करके उसका दर्शन करा के एक मनोवैज्ञानिक रूप से इस असर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम गंगा के प्रति कितने समर्पित हैं। गंगा के प्रति काशी का निवासी, हिंदुस्तान का वासी जितना समर्पित होगा, उसके प्रति लगाव रखने वाला होगा, उतना लगाव जापान के प्रधानमंत्री को नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी 4 गुना बढ़ाने के प्रस्ताव पास कर दिया है। पहले विधायकों की बेसिक सैलरी 12,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। सभी भत्तों को मिलाने के बाद विधायकों की बढ़ी हुई सैलरी 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी। अभी दिल्ली में विधायक की सैलरी 70,000 रुपए है। पूर्व विधायकों की पेंशन भी हर महीने 7500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में रहने को गैस चैम्बर में रहने जैसा बताया है। कोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर चिंता जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की 2 प्रमुख वजह हैं, धूल और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के रिपोर्ट को खारिज करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को धूल को कम करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने 15 साल से पुराने ट्रकों को सड़क से हटाने का फैसला किया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कैसे रोक लगाई जाए, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक अगले साल अप्रैल से इस आदेश को लागू किया जाएगा। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए कमर्शियल वाहनों से निकलने वाला धुआं काफी हद तक जिम्मेदार है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का तो मानना है कि कुल प्रदूषण का 60% वाहनों से होता है। पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को पहले स्थान पर बताया था। दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड आज एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जिसके जरिए निराश्रित और बेसहारा बुजुर्गों को मदद पहुंचाई जाएगी। विभाग के मुताबिक इस ऐप को कोई भी अपने फोन में लोड कर सकता है, और जहां भी किसी को सड़क पर बेसहारा बुजुर्ग नजर आएगा उनकी फोटो खींचकर मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल रूम को जानकारी दी जा सकेगी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर बुजुर्ग को मदद पहुंचाएगी। वहीं इस ऐप के जरिए रैन बसेरों पर भी नजर रखी जा सकेगी। अगर आप भी किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ना होने पर नियम तोड़ते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ना होने के बावजूद
आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंच सकती है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक प्रहरी नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। इसके जरिए अब दिल्ली पुलिस के मोबाइल ऐप से आम आदमी भी यातायात के नियम तोड़ने वालों की फोटो या वीडियो भेज पाएगा। यातायात के नियम तोड़ने वालों की जानकारी देने वाले ट्रैफिक सेंटिनल या प्रहरी को रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे और इसी रिवॉर्ड पॉइंट के बदले इनाम भी दिया जाएगा। इनाम के तौर पर लोग बाइक, कार और फॉरेन ट्रिप भी जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो लड़कियों के कटे सिर एक सूटकेस से पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने ये दोनों सिर एक गन्ने के खेत से बरामद किए हैं। मामला सीतापुर से 25 किलोमीटर दूर मानपुर इलाके के कमियापुर गांव का है, जहां गन्ने के खेत में एक सूटकेस में दो लड़कियों के सिर मिले। पुलिस ने लोगों से दोनों लड़कियों की पहचान करने की काफी कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक ये सूटकेस कहीं बाहर से लाकर यहां डाला गया। उसमें दो लड़कियों की सर कटे हुए सर मिले और ये लगता है कि थोड़ा चेहरा फूल गया है। तो अब तो शिनाख्त होने के बाद ये पता चला है, लगता है कोई कहीं से उनके सर को काट के घर से अलग करके यहाँ पे लाके बैग में डाला है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी घटना है और हमने अभी फॉरेंसिक साइंस को बुलाया है। हम उनका जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं और इनका हम DNA सैंपल भी कल कराएंगे पोस्टमार्टम के समय। कानपुर में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग उसमें घायल हुए हैं। हादसा रोडवेज बस और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर से हुआ। बताया यह जा रहा है कि बस कानपुर से महोबा जा रही थी, तभी विधुन इलाके के पास एक ट्रैक्टर उल्टी दिशा से बस के सामने अचानक आ गया, जिससे दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, 28 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बिधनू थाना अंतर्गत एक रोडवेज की बस और एक ट्रैक्टर ट्राली में टकरा गई हैं, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। उसमें एक आदमी वहीं पर मृत हो गया था, उसमें से करीब 24 आदमियों को यहां पर मुख्यालय के लिए रेफर किया गया है। इसमें करीब 28 आदमी हैं, जिसमें 24 आदमियों को जिला अस्पताल के लिए और यहां मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया गया है। 4 आदमी जो सामान्य रूप से घायल थे उनका इलाज वहीं पर चल रहा है। नेपाल में चल रहे मधेशी आंदोलन की आग थमने का नाम नहीं ले रही। भारत नेपाल बॉर्डर के रुपई डीहा पर मधेशी आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से सीमा पार जाने वाले मालवाहक ट्रक खड़े हुए हैं। नेपाल के संविधान में अपने अधिकारों की मांग को लेकर मधेशी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर रुपई डीहा पर आंदोलनकारियों और नेपाल पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया, जिसके जवाब में नेपाल पुलिस को भी कई राउंड रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मधेशियों के आंदोलन के कारण सीमा पर तनाव बना हुआ है। GST पर बना सुब्रमण्यम पैनल आज केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सरकार ने एक पैनल का गठन किया था, जो GST पर रेट सरकार को सुझाव देगा। दाल इंपोर्ट्स की गुरुवार को वाणिज्य मंत्री और खाद्य मंत्री के साथ बैठक हुई। बैठक में दालों की सप्लाई बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। आने वाले महीनों में दालों की कीमतें काबू में रहे, इसके लिए उपाय किए जाएंगे। हाल ही में मांग के मुकाबले सप्लाई घटने से दालों की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी हो गई थी। अरहर दाल का भाव 200 रुपए प्रति किलो के भी पार चला गया था। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पी नोट्स पर सेबी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और KYC नियमों को भी और सख्त किया गया है। जयंत सिन्हा के मुताबिक सेबी ने जो कदम उठाए हैं उनसे पी नोट्स के जरिए निवेश में पारदर्शिता और बढ़ गई है। जयंत सिन्हा के मुताबिक सरकार ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए 4 अहम कदम उठाए हैं। जयंत सिन्हा का कहना है कि टेरर फंडिंग रोकने के लिए घरेलू निगरानी बढ़ाने पर जोर देना होगा। SEBI has spoken extensively on their regulatory framework when it comes to participatory notes. They have strengthened over the years the KYC norms associated with participatory notes. And as of now, the kind of reporting requirements and the kind of rigor with which we follow through and have the full see-through, look-through on the identity of participatory note holders are actually fairly good and fairly strict in terms of really understanding who is it and whether they are legitimate institutions that are transacting through P-Note. So overall, it's a framework that is quite robust. टेरर फंडिंग पे 2-3 मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं।
पहली बात तो ये, जैसे मैंने अभी कहा कि जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है उसमें हम लोगों को जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करनी है, जिसमें कि और सब ज्यूरिसडिक्शंस हैं, हमें सूची मिले और हम उस सूची के आधार पर जो भी हमें कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी है, हम उसे कर सकें। जैसे जैसे हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे सब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल फ्लोज हैं, उस पर सर्वेलेंस अच्छी तरीके से हो पाएगा और जहां भी कुछ हमें लगेगा कि कोई शक की बात है तो उस पर कार्रवाई हो सकेगी। चालू सीजन में अब तक चीनी का उत्पादन 4,62,000 टन बढ़ गया है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा के ताजा अनुमान के मुताबिक 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 23,60,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ है और पिछले साल इस दौरान 18,98,000 का उत्पादन हुआ। सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। विदेशी बाजार में भाव 6 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। भाव $1,045 का निचला स्तर छूने के बाद फिलहाल $1,050 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डर्स और फ्लैट मालिकों पर गाज गिर सकती है। नोएडा प्रशासन जल्द उन बिल्डर्स और फ्लैट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बावजूद फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री नहीं कराई। संसद से मंजूरी के बाद ब्रिटेन ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टॉर्नेडो जेट ने आईएसआईएस के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी है। फ्रांस अपने संविधान में बदलाव कर इमरजेंसी की समय सीमा को 6 महीने करने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक फ्रांस पर हुए आतंकी हमलों के बाद ही राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान ने इमरजेंसी की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने के साथ ही सरकार को कई स्पेशल पावर देने का सुझाव रखा था। अब इस प्रस्ताव को 23 दिसंबर को मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। हालांकि कुछ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक ओलांद सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है।